चैप्टर 7 सर्किल का टॉपिक कॉनिक सेक्शन का है। कॉनिक सेक्शन ये होता है कि आपके पास एक कोन होती है, डबल राइट सर्कुलर कोन, जिसको आप इंटरसेक्ट करते हो, ये समझ लो एक छुरी से। आपके पास एक कोन है, छुरी से आपने उसको काटना है। अब डिफरेंट एंगल पे आप रख के काटते हो, आपके पास डिफरेंट चार किस्म की शेप्स आती हैं, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा, वो हम चैप्टर नंबर जब 8 स्टार्ट करेंगे तब मैं डिटेल में उसमें जाऊंगा, देख लेना आप लोग। अभी फिलहाल हम सर्किल को डिस्कस करते हैं कि सर्किल ये क्या चीज़ होती है। ये आई वहीं से है, कोन को आपने बिल्कुल उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करोगे तो आपको सर्किल मिल जाएगा। तो अब इसके आगे से हम डिस्कस करते हैं, वो टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 के साथ हम कर लेंगे। अब सबसे पहली बात कि सर्किल होता क्या है, उसकी छोटी सी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो सर्किल की एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है कि सर्किल जो है एक सेट ऑफ पॉइंट्स है। दो तीन बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन में क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स, पहला ये पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन के अंदर। क्या आपके पास एक सेट ऑफ पॉइंट्स हैं पूरे, ठीक है? अगर आप इन सेट ऑफ पॉइंट्स को देखो, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से इन सब पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है। तो ये सारे सेट ऑफ पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से सेम है, तो ये जो पूरे सेट ऑफ पॉइंट्स जो कर्व बना रहे हैं, इस पूरे कर्व को आप क्या बोलोगे, सर्किल बोल दोगे। तो ये बेसिकली डेफिनेशन होती है सर्किल की, सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्किल। अब दो तीन बातें आपने पढ़ी है। सबसे पहले चीज फिक्स पॉइंट। तो भाई ये फिक्स पॉइंट क्या होता है, फिक्स पॉइंट हम इसको बोलते हैं सेंटर। और ये जो आपने अभी डिस्टेंस की बात की है, जो मैंने बोले ना इक्वी डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, रेडियस होता है। तो उस डेफिनेशन के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए कि वो जिन पॉइंट्स की डिस्टेंस की बात की जा रही थी ना, कि उन पॉइंट से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस, उसको आप रेडियस कहते हो, और जो फिक्स पॉइंट था उसको आप सेंटर कहते हो। अब सेंटर सॉरी सर्किल के अंदर मैं मजीद आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, उससे पहले कुछ 6-7 टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। दो जो है वो स्पेसिफिक सर्किल से रिलेटेड है, जैसे डायमीटर और रेडियस, लेकिन बाकी जो है वो किसी भी कर्व से रिलेटेड है, चाहे एलिप्स हो, पैराबोला, हाइपरबोला, कोई भी बोला हो। और वो बातें जरा मैं बता देता हूँ। एक सर्किल बना के हम समझते हैं उसको, ठीक है? ये एक सर्किल है आपके सामने। अच्छा जी, अब इस सर्किल में हमने क्या करना है, दो तीन पॉइंट। सबसे पहले जो बेसिक है, ये तो सेंटर होता है, पूरी दुनिया को पता है, इसको आप क्या कहते हो, सेंटर। अच्छा, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप बोलते हो रेडियस। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस, इस पूरी चीज को आप बोल दोगे रेडियस। अच्छा, तीसरी चीज जो सर्किल से रिलेटेड है वो होती है, वो होता है डायमीटर। तो डायमीटर जरा देख लेते हैं। डायमीटर को मैं समझा नहीं रहा, डायमीटर को मैं बाद में समझाता हूँ, लेकिन पहले देख लो ये पूरी लाइन को आप क्या बोलोगे, डायमीटर। ये तीन जो बातें हैं स्पेसिफिकली, दो सेंटर तो चलो एलिप्स में भी होता है, हाइपरबोला में भी होता है, लेकिन रेडियस और डायमीटर जो है ना, ये स्पेसिफिकली बात की जाती है सर्कल से रिलेटेड। अब सर्कल से रिलेटेड अगर बात की जा रही है तो तीन चार और चीजें उनको भी जरा देख लो। सबसे पहली चीज टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, देखो याद रखना, अगर कोई पॉइंट किसी कर्व को टच करके जाए, जैसे ये लाइन, सॉरी लाइन, अगर इस लाइन को देखो, ये लाइन सर्किल को इस पॉइंट पे टच कर रही है। डायग्राम में शायद आपको देखने में लगे, बाकियों को भी कर रही है, वो डायग्राम मैंने सही नहीं बनाई, लेकिन अगर एक लाइन सिर्फ एक पॉइंट को टच करके जा रही है, चाहे वो सर्किल का हो, किसी भी कर्व का हो, तो उस लाइन को आप क्या बोलते हो, टेंजेंट बोलते हो। ऐसी लाइन जो सर्किल को या किसी भी कर्व को किसी पॉइंट पे टच करके जाए, तो उस लाइन को आप क्या बोलते हो, टेंजेंट बोलते हो। तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। फिर एक और लाइन होती है जिसको आप नॉर्मल बोलते हो। अब ये नॉर्मल लाइन क्या होती है, जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट है ना, अगर आप इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना दो, तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रही है, उस लाइन को आप क्या कहते हो, नॉर्मल। तो नॉर्मल का कॉन्सेप्ट कोई मुश्किल नहीं है, बस जो टेंजेंट आपने बनाया है, जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट है, उस पॉइंट पे आप एक 90 डिग्री की लाइन बना दो, तो नॉर्मल उसको आप कह दोगे, ठीक है? और सर्किल के अंदर एक थ्योरम भी होता है, जो मैंने यहाँ पे पूरा दिखाया भी है आपको, कि नॉर्मल लाइन हमेशा सेंटर से पास करती है। ये बाद में भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी से ध्यान में रखो कि जब आप टेंजेंट बनाते हो ना सर्किल के ऊपर, तो जो नॉर्मल लाइन है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है और पास करती है सेंटर से।
तो ये कितनी चीजें पढ़नी है? टोटल 5 चीजें पढ़नी। यार तुम लोग अपने माइक्रोफोन ऑन क्यों नहीं, ऑफ क्यों रखते हो, सॉरी ऑन क्यों रखते हो? एक चीज तुम लोगों को जिम्मेदारी बोली है, वो भी तुम लोग से नहीं होती। फिर ये मैं रिमूव करूंगा स्ट्रेट अवे सबको, मुझे बार बार खुद बंद करना पड़ता है, डिस्टर्बेंस होती है क्लास के अंदर। ये 5 चीजें आपने देख ली। अब 2 और कॉन्सेप्ट है, उनको जहन में रखो। पहला कॉन्सेप्ट है कॉर्ड का। अब जरा समझ लेते हैं कॉर्ड क्या होता है। अगर आप कर्व के, कोई भी कर्व गिवन है, उस कर्व पे अगर आप किसी भी 2 पॉइंट को आपस में ज्वाइन करो, जैसे 2 पॉइंट थे कर्व के ऊपर, इसको आपस में आपने ज्वाइन किया, तो जो आपके पास लाइन बनती है ना, उस लाइन को आप क्या बोलते हो? कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो सर्किल के अंदर सर्किल के किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर लो, एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, लाइन बना दो, तो सर्किल के किसी भी 2 पॉइंट को जो लाइन मिला रही है, उस लाइन को आप क्या बोलते हो? कॉर्ड बोलते हो। अब मैं आपको बताऊंगा डायमीटर की डेफिनेशन। डायमीटर भी एक कॉर्ड है। अगर आप देखो तो सर्किल के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो डायमीटर भी कॉर्ड है, लेकिन स्पेसिफिक किस्म का कॉर्ड है, जिसको आप बोलोगे स्पेशल किस्म का कॉर्ड है। और क्या इसमें खासियत है? खासियत ये है कि ये कॉर्ड सेंटर से पास कर रहा है। तो कॉर्ड क्या होता है? सर्किल के किसी भी 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन करें तो वो कॉर्ड है, लेकिन अगर वो इस तरीके से ज्वाइन करे कि वो सेंटर से भी पास कर रहा है। अब ये वाला कॉर्ड जो है, ये 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, लेकिन साथ साथ सेंटर से भी पास कर रहा है, तो उस कॉर्ड को आप क्या बोलते हो? डायमीटर। तो जो भी डायमीटर है वो कॉर्ड होते हैं, लेकिन सब कॉर्ड डायमीटर नहीं होते, ये आप कह सकते हो। तो ये बात होगी छठे कॉन्सेप्ट की। अब 7वां और आखिरी कॉन्सेप्ट है, जिसको आप सीकेंट कहते हो। सीकेंट वो लाइन होती है जो कॉर्ड जैसी होती है, कॉर्ड बेचारा खत्म हो जाता है ना, यहां पे भी खत्म हो गया, यहां पे भी। ये समझ लो कॉर्ड जो है वो एक लाइन सेगमेंट है, वो खत्म हो गया, लेकिन जो सीकेंट लाइन है वो चलती रहती है, वो सर्कल को क्रॉस करके बाहर निकल गई, वो एक लाइन है और वो चलती जाएगी, वो कभी रुकेगी नहीं। वो यहां से भी बढ़ रही है, वो यहां से भी बढ़ रही है, तो इस लाइन को आप क्या बोलोगे? सीकेंट लाइन बोलोगे। तो ये 7 कॉन्सेप्ट है सर्कल से रिलेटेड। अभी मैंने बता दिए कि आगे अभी स्पेशली टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड, ये 3 कॉन्सेप्ट जो है ये आपको पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में भी आएंगे। तो ये हर शेप के लिए होता है, ये सिर्फ सर्किल के लिए नहीं, हर शेप के लिए, टेंजेंट, सीकेंट, नॉर्मल, कॉर्ड, हर चीज होती है। इन चीजों को ध्यान में रखना। अब हम सर्किल को मजीद स्टडी करते हैं। कोई सवाल है यहां तक तो पूछ लो। सर्किल की 2 फॉर्म होती है इक्वेशन की, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म होती है AX + BY + C। इसी तरह जो स्ट्रेट लाइन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है, ये कम स्टूडेंट को पता है, ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हो स्ट्रेट लाइन की। वो जो आपने पढ़ी है ना Y = MX + C, वो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन की। इसी तरह सर्किल की भी 2 फॉर्म है, एक जनरल फॉर्म, एक स्टैंडर्ड फॉर्म। ज्यादातर MCQs में आप जनरल फॉर्म यूज करते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म आप कुछ स्पेसिफिक केस में डिस्कस करते हो, जब आपको सेंटर गिवन हो और रेडियस गिवन हो तो आप इक्वेशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर लेते हो, वरना मेजॉरिटी केसेस में आप जनरल फॉर्म ही यूज कर रहे होते हो। वो मैं साथ साथ MCQs भी डिस्कस करता जाऊंगा, और जब सॉल्व कराऊंगा तब भी आपको देख लेना। NID के पास पेपर में कॉनिक सेक्शन का बहुत बड़ा पोर्शन आता है, तो अगर आप चैप्टर 7-8 देखोगे ना, उसमें काफी MCQs आपको मिलेंगे। NID में सेकेंड ईयर में कैलकुलस और कॉनिक सेक्शन और 2-3 चैप्टर जो है इनका बहुत बड़ा पोर्शन होता है, तो आप जरा पास पेपर देखोगे तभी आपको देख के आइडिया हो जाएगा यार इनके MCQs काफी ज्यादा मौजूद है। तो ये सर्किल का टॉपिक भी उनमें से एक है कि बहुत MCQs मिल जाएंगे आपको। बहरहाल तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली होती है इसकी, X - A² + Y - B² = R², वेयर इसमें अगर आप सेंटर की बात करो तो सेंटर मैंने लिया है A, B के ऊपर, और रेडियस जो है वो किसके बराबर है? R के बराबर है। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपके पास एक सर्किल है जिसका सेंटर जो है वो A, B है, आपने सर्किल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट पिक कर लिया X, Y, उस पॉइंट से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस R के बराबर ले लिया। तो अब अगर आप इसकी डेरिवेशन करना चाहो तो इन 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्व करोगे, यही चीज़ आपके पास पूरी आ रही होगी। तो इस फॉर्म को आप क्या बोलते हो? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्किल, वेयर A और B यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, R जो है वो यहाँ पे रेडियस है। अब इसका सवाल आपको ट्राई करना है, इसको 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म से ही आप कर रहे होते हो। तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना कि लेट कर लो अगर एक सर्किल है जिसका सेंटर है 2, 3 पे, रेडियस उसका जो है वो 3 कर लेते हैं, आपने उसकी इक्वेशन मालूम करनी है। तो बहुत ईजी मेथड है, ए की जगह आप 2 पुट कर दो, बी की जगह आप 3 पुट कर दो, आर की जगह 3 पुट कर दो,
थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा। और फिर इस पूरी इक्वेशन को इनके फॉर्मूले लगाओ ए माइनस बी होल स्क्वायर के, सॉल्व करना आपके पास, सिंप्लीफाई करना आपके पास, एक सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दिए। अच्छा जी, अब इसके डिफरेंट केसेस भी होते हैं। पहला केस ये होता है इसका कि अगर आपका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, सेंटर इज एट ओरिजिन। तो जब सेंटर ओरिजिन के ऊपर होता है ना, कहने का मतलब ये जो ए कॉमा बी की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, जीरो कॉमा जीरो। मतलब ए भी जीरो हो जाएगा, बी भी जीरो हो जाएगा। सेंटर ओरिजिन पे है मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो जीरो कॉमा जीरो होते हैं। तो इस इक्वेशन में ए भी हट गया, बी भी हट गया, तो इक्वेशन आपके पास बच जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्किल की जब उसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर होता है और रेडियस जो है वो उसका आर के बराबर होगा। फिर दूसरी इसके अंदर पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि अगर सेंटर उसका ओरिजिन के ऊपर हो, सेंटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर है लेकिन रेडियस जो है उसका वन के बराबर है, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो मैंने कोई केस डिस्कस नहीं किया, तो मैंने रेडियस की वैल्यू पुट की है इस वाली इक्वेशन में, रेडियस की वैल्यू पुट कर दी है। तो बात आपकी सही है, ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर मैंने रेडियस की जगह वन पुट कर दिया तो इक्वेशन आ गई। लेकिन मैं अलग से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इस पर आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस कर रही है। ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल तक अगर आप महदूद रखते हो तो बहुत छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री बनती। ट्रिग्नोमेट्री का एक्सटेंड ही आपने यूनिट सर्किल के जरिए से किया है। ये बेसिकली यूनिट सर्किल की इक्वेशन है, अगर आपको याद हो जाए, आपने पढ़ा हो फर्स्ट ईयर में, तो यूनिट सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। दैट्स व्हाई मैंने अलग से डिस्कस किया है। एग्जाम में आ सकता है कि यूनिट सर्कल की कंडीशन क्या हो सकती है कि जब सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, रेडियस वन के बराबर है, या आप इससे वो आपसे इस तरह पूछ लेंगे कि एक इसकी इक्वेशन होती है, तो आप बोल दोगे यूनिट सर्कल की इक्वेशन होती है। तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली डिस्कस किया, ये अलग पूरा कॉन्सेप्ट है। और तीसरा केस यहाँ पे ये है कि अगर सेंटर ओरिजिन के ऊपर ही हो, सेंटर जो ओरिजिन के ऊपर है लेकिन रेडियस जीरो के बराबर है। अब सवाल ये कि जब रेडियस जीरो हो जाएगा तो सर्कल तो बनेगा ही नहीं, डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा ना। रेडियस जितना छोटा होता है सर्कल छोटा बन रहा होता है, रेडियस जितना बड़ा होता जाता है सर्कल बड़ा होता जा रहा है। लेकिन रेडियस इतना छोटा हो जाए, अगर वो जीरो हो जाए तो फिर आपका वो सर्कल तो बन ही नहीं सकता। तो बिल्कुल सही बात है, जब आपका रेडियस जीरो होता है तो फिर सर्कल नहीं बनता, वो एक पॉइंट होता है। जैसे लेट कर लो अभी आपका सर्कल ये है, कुछ ना कुछ रेडियस आ रहा है इसका। अब रेडियस कम कर रहा हूँ सर्कल ये बन रहा है, और कम कर रहा हूँ ये बन रहा है। अगर मैं इसका जीरो कर दूं तो अब सर्किल ये बनेगा, जो बेसिकली वो सर्किल नहीं होगा, वो एक पॉइंट हो जाएगा। लेकिन उसको हमने अलग से नाम दिया हुआ है पॉइंट सर्किल। तो पॉइंट सर्किल ऐसा सर्किल होता है जिसका रेडियस जो है वो जीरो के बराबर है, तो उसको आप बोल दोगे पॉइंट सर्किल। उसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, रेडियस की जगह आपने जीरो पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन होती है एक पॉइंट सर्किल की। क्लियर है यहां तक बात? कोई सवाल? ये वाली ये चीज तो बहुत इजी है। ये जो सेंटर एट ओरिजिन वाली इक्वेशन है ना, इसमें रेडियस की जगह वन पुट कर दो तो वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अच्छा, इसके और भी केसेस हैं, तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं। माइक्रोफोन तो मेरा नीचे था, पता नहीं आवाज शायद आ रही होगी तुम लोगों को। अच्छा, तो इसका एक और केस भी होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर टू है, आएगा 7.1 का, या तो टू होगा या थ्री होगा, कि उसमें गिवन ये था। अच्छा, टू और थ्री में दोनों सवाल करवा रहा हूँ। टू मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है टू क्या था थ्री क्या था, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि लेट कर लो आपको सवाल में बोला जाए क्या बोला जाए कि सेंटर दे दें आपको। लेट कर लो सेंटर 2.3 के ऊपर है और वो बोले कि सर्किल के ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट ऑन अ सर्किल। सर्किल के ऊपर आपको कोई भी एक पॉइंट दे दें। लेट कर लो सर्किल के ऊपर पॉइंट है 3.1। अच्छा, मुझे नहीं पता, ये एग्जाम्पल मैं बुक से चलो बता देता हूँ, क्योंकि वैल्यूज अगर डिस्टर्ब होंगी तो अजीब सा सवाल हो जाएगा। मैं बुक से एग्जैक्ट बता देता हूँ सवाल, ये अल्लाह भला करे। हाँ, क्वेश्चन नंबर थ्री है। इन्होंने तो खैर इजी लिखा हुआ है, 3.-4। इन्होंने बोला है कि सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, कॉन्सेप्ट वही होगा, असल कॉन्सेप्ट मैटर करता है।
सेंटर ओरिजिन के ऊपर है और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है -3.4। ये दो चीजें गिवन है कि सेंटर ओरिजिन के ऊपर है और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है -3.4। अब इन दो चीजों से आपने सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। अब ये कैसे मालूम करेंगे? कॉन्सेप्ट को लेके चलना है आपने। भाई कॉन्सेप्ट ये है कि सर्कल का सेंटर ओरिजिन के ऊपर है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता है। आपको पता है जब सेंटर ओरिजिन के ऊपर होता है सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? x² + y² = रेडियस का स्क्वायर होता है। रेडियस आपको नहीं पता। अब दूसरी हिंट क्या है कि सर्किल के ऊपर एक पॉइंट है -3.4। लेट कर लो यहां पे सर्किल के ऊपर मैंने एक पॉइंट बना दिया -3.4। अब रेडियस कैसे निकालोगे? बहुत इजी काम है, रेडियस निकालना मुश्किल नहीं है। आप सेंटर और इस पॉइंट, इसके दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला के आंसर में जो भी वैल्यू होगी वो बेसिकली रेडियस की वैल्यू होगी। ठीक है, तो बाय द वे अगर आप यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो -3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो 5 आ रहा होगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के दरमियान आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, 5 आ जाएगा जो कि रेडियस है, तो यहाँ पे लिख देना 5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप आसानी से उसकी इक्वेशन मालूम कर सकते हो। अब लेट कर लो सेंटर ओरिजिन के ऊपर ना होता, किसी और पॉइंट पे होता, तो फिर आप ये वाली इक्वेशन यूज करते। लेट कर लो 2.3 पे होता, तो आप a की जगह 2 पुट करते, 3 की जगह 3 पुट कर देते, और फिर वही काम करते, इन दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालते, वो बेसिकली रेडियस के बराबर होता। तो इस तरीके से भी आपके पास आ सकता है इक्वेशन निकालने को। और एक आखिरी केस में डिस्कस कर रहा हूं, वो ये है कि जब आपको बोला जाए एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। अच्छा, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर क्वेश्चन नंबर 2 है 7.1 का। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से भी कर सकते हो। कौन सा मैं बता देता हूं कि लेट कर लो डायमीटर के एंड पॉइंट आपको दे दें कि डायमीटर है इसका एक एंड पॉइंट ए दे दिया जाए, बी दे दिया जाए, दो पॉइंट आपको दे दिए जाए और आपको बोला जाए इसकी इक्वेशन निकालो। तो एक तो तरीका यह है कि आप ए बी का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, सेंटर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप ए बी के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। बेसिकली रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। तो ए बी के दरमियान डिस्टेंस निकालो, डायमीटर आएगा, उसको 2 से डिवाइड करना, तो रेडियस आ जाएगा। सेंटर और रेडियस की मदद से आप उसकी इक्वेशन मालूम कर लोगे। लेकिन एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मैंने यूट्यूब पे 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 इसी मेथड से करवाया हुआ है। लेकिन इजी मेथड इसका एक और होता है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कुछ चीज, वो ये वाली इक्वेशन है जो कि मुश्किल नहीं है। x - x1 x - x2 y - y1 y - y2, ये उस वाले से बहुत ही ईजी मेथड है। ये समझ लो विद इन 30 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा इसका। इस वाली इक्वेशन में देखो आपको बेसिकली दो पॉइंट नजर आ रहे हैं, x1 y1 x2 y2। मैं जरा अलग कर देता हूं, आप लोग मिक्स ना हो जाए बस। ये अलग मैंने पूरी डायग्राम बनाई हुई है, ये पूरी इक्वेशन है। ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, दरमियान में प्लस है, ये वाली और ये वाली ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है = 0। ये आप इक्वेशन उस वक्त यूज करोगे जब आपको डायमीटर के एंड पॉइंट दे दिए जाएं। जैसे अगर आप 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो एक पॉइंट है -5.6 और 3.-4, तो -5.6 3.-4 ये उसी वक्त वर्क करेगा जब ये एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है। कोई रैंडम दो पॉइंट ना हो, जैसे रैंडम को सर्किल के ऊपर एक पॉइंट यहां दे दिया जाए, यहां दे दिया जाए, तो अब वो डायमीटर के नहीं होंगे। जब स्पेसिफिकली आपको एमसीक्यूज में बोला जाए कि ये एंड पॉइंट है डायमीटर के, तब आप ये वाली टेक्निक लगा सकते हो। अगर कोई दो रैंडम पॉइंट होंगे फिर तो आप निकाल भी नहीं सकते इक्वेशन। दो पॉइंट से आप सर्किल की इक्वेशन नहीं निकाल सकते अनलेस एंड अनटिल वो दो पॉइंट डायमीटर के एंड पॉइंट है। तो आपने बस पुट कर देना यहां पे x - x1 यहां पे -5 है, -, -, पॉजिटिव। अच्छा, x - x2 यहां पे 3 है, प्लस y - y1 यहां पे 6 है, y - y2 नेगेटिव है, -, -, पॉजिटिव = 0। तो ये काम तो 10-15 सेकंड का है, पुट करना है आपने। उसके बाद इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना, इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना, सिंप्लीफाई करना, आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो जब एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर लिखा हो तो आप इस तरह, नॉर्मली इसको शॉर्टकट बोला जाता है, शॉर्टकट नहीं पूरा मेथड है ये बुक में आपके डिस्कस किया गया है, इसकी डेरिवेशन भी लिखी गई है। तो जो मेथड ऑलरेडी बुक में होते हैं तो उसको शॉर्टकट का नाम देके मजा नहीं आता। ये प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर इक्वेशन है कि अगर आपको एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन हो तो आप इस तरीके से सर्कल की इक्वेशन निकालते हो।